ऐसे में ढोल नगाड़ों के साथ नम आंखों के साथ बप्पा का विसर्जन किया जा रहा है। ये तस्वीरें कल्याण की हम आपको दिखा रहे हैं, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के तालाब पर घर गुरती बप्पा और पंडाल के बड़े बड़े बप्पा आज विसर्जन के लिए पहुंचे हुए हैं। भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, पूरी व्यवस्था की गई है केडीएमसी की तरफ से, पुलिस तैनात है, लाइफगार्ड्स तैनात है। तालाब में बप्पा के विसर्जन के लिए लोग नम आंखों के साथ आरती कर बप्पा को विदा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी कृत्रिम तालाब यहां पर बनाया गया है, केडीएमसी द्वारा ये पूरी व्यवस्था की गई है। हमारे सहयोगी सुनील शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ वहां पर व्यवस्था है। सुनील जी क्या हो रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है सुनील शर्मा जी से हम जुड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए कल्याण की, जहां पर कृत्रिम तालाब बनाया गया है और वहां पर महानगर पालिका के तमाम लोग हैं जो बप्पा को विसर्जित कर रहे हैं। नम आंखों के साथ बप्पा का विसर्जन ये कहते हुए गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दिया। 7 दिन कब बीत गए पता भी नहीं चला, बप्पा आए और अब बप्पा जा भी रहे हैं, गणपति अपने गांव चले कैसे हमको चैन पड़े। सुनील शर्मा जी आपको आवाज आ रही है? जी निशा, क्या कुछ वहां पर तैयारियां की गई है? देखो कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में कल्याण में 7 दिवस की गणपति बप्पा का विसर्जन किया जा रहा है। विट्ठलवाड़ी कोसवाड़ी के पुलिस के थाने के पीछे कृत्रिम तालाब बनाया गया है जहां 7 दिन की गणपति विसर्जन किया जा रहा है। जी क्या कुछ वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, पुलिस की तैनाती, क्या तैयारियां? जिस तरह जाएगा यहाँ पे पुलिस की तैनाती है, पुलिस है और जिस तरह पे डॉक्टर के भी हैं, जिस तरह देखा जाए पीछे हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह कृत्रिम तालाब में गणपति विसर्जन किया जा रहा है। काफी यहाँ पे भीड़ है कि पुलिस यहाँ पे किस तरह तैनात में एक एक को छोड़ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। फिलहाल कल्याण की तस्वीर जहाँ पर बप्पा के विसर्जन की धूम देखिए।